अम्मी अबू अबे ओ तेरे बाप ने भी कभी ऐसा महल्ला देखा? गरीब लोग जहां अच्छा महल्ला देखा हर घर में जाके आवाज लगा रहे थे अबू अबू अबू। और तेरे को तो तेरी अम्मी बाजार लेके नहीं जाती, तू हर आदमी को देख के बोल रहा होता है अबू 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 अबू। आ जा रहा है मौसी। अबे कौन मौसी? तू है ना मर्दों की मौसी। मैं बसंती। बसंती। अबे बसंती नहीं आएगी, उसकी घोड़ी आ जाएगी। घोड़ी यहाँ आई नहीं सकती। क्यों? घोड़ा तो नीचे खड़ा हुआ। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा ठन्नी गुम हो गई थी वो देख रहा हूं। ओबे क्या हो गया? एक दो तीन ओबे 25 मंजिला इमारत कहाँ है? यहीं से खुदकुशी करियो। ओ चल चल निकल निकल निकल। क्या हुआ क्या हुआ? लाफ्टर चैलेंज 2 में आ गए। अबे लाफ्टर 3 का सेट है ये। अबे आदमी तो पुराने बैठे हुए। अच्छा शेखर भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ क्या बात है। अगर इनका ऑपरेशन 10 घंटे और चलता ना सिद्धू भाई के मजे आ जाते। कैसे? लड़की बन जाते वो अरे भाई मैंने लाफ्टर चैलेंज 3 में हिस्सा लेना है। हाँ? तो यार उसके लिए ऑडिशन देना है मैंने। चल ऑडिशन, लेकिन बात सुन ले। हाँ? अगर पुराने जोक सुना है हाँ? तो कत्लेआम शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप मेरा ऑडिशन कैसे लोगे? आप हो कौन? मैं मुझे समझ ले डायरेक्टर हूँ मैं। अच्छा अच्छा डायरेक्टर साहब। एक बादशाह था उसकी पान की दुकान थी। आगे सुनाओ। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ एक बादशाह था उसकी पान की दुकान थी। शॉपिंग सेंटर कर ले। तेरे बाप ने उस जमाने में शॉपिंग सेंटर खोला था? नहीं, नहीं, न, न, नया कर लेते हैं इसको और कुछ कुछ बना लेते हैं। क्या करेगा? कलर करेगा उसके ऊपर क्या? नहीं 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 क्या करेगा जोक पे? नहीं, नहीं। सुना नया जोक बनना। सुना? अबे यार शेखर भाई 50 साल के बाद तेरे जैसे होंगे। हाँ? नहीं देना भाई हमने ऑडिशन नहीं देना। ऑडिशन नहीं देना। हाँ। ऐसे हंसी हो? प्यासा कौवा। एक बात बता। हाँ। इतना खूबसूरत कैसे मुस्कुरा लेता है? इतनी मासूमियत कैसे ले आता है? बचपन से कमी ना ये शक्ल ऐसी बना लेता है? तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। आहा। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। आहा। मैंने सुना तू साल में एक दफा नहाता है। मैं कल म्यूनिसिपल पार्टी वाले ट्रक लेके इसके घर के बाहर आ गए। कह लेंगे पुराना सामान हमारे ट्रक में डाल दो। इसने अपने बाप को ट्रक में डाल दिया। अबे अपना बता, कल इसको गधे की तस्वीर मिली या अपनी अम्मी के पास जाकर क्या बोला? अम्मी अम्मी अब्बू की तस्वीर मिल गई। चुप कर जाओ, वेस्ट इंडीज की टीम के अब्बू। हाँ। मुझे वर्ल्ड कप याद आ गया। अच्छा अगर ये लोग मुझे वर्ल्ड कप में भेजते तो मैं वर्ल्ड कप लेकर आता। कैसे लेकर आता? रखा हुआ होता उठा के लिया था। अबे तू तू वर्ल्ड कप उठाने की बात कर रहा है? हाँ? मैं तो सिद्धू भाई को उठा लूं। जाके उठा, एक आदमी का काम ही नहीं है। कल इसको रिश्ते के लिए लड़की वाले देखने के लिए आए। हाँ। इसकी अम्मी कहने लगी देखो ये है मेरा बेटा। तो लड़की वाले इसको देख कर क्या बोल रहे हैं? हमने देख लिया, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ। इसका एक दोस्त कल इसके पास आया, कहलाएगा यार मैंने 5 शादियां की, मेरी 5 बीवियां मर गई, मैं क्या करूं? तो ये उससे क्या बोल रहा है? औरत जात पे रहम। वैसे एक बात है। हाँ। तेरी पैदाइश के वक्त दाई ने पैसे ही नहीं लिए। अच्छा। कहने लगी मैंने किया क्या, बस हाथ धुला दो। कल अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बोल रहा है जी चाहता है तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें देखता रहूं और जी चाहता है तुम्हारे लंबे लंबे बालों को देखता रहूं। तो इसकी गर्लफ्रेंड क्या बोल रही है? तुम इसके सिवा कर भी क्या सकते हो? कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पे ले गया और अपने नौकर के हाथ में 500 रुपए रखे, कहने का बेगम साहिबा को नहीं बताना। तो नौकर इनसे क्या बोल रहा है? इस काम के बेगम साहिबा तो 1000 रुपए देती हैं। अबे अपना बता। हाँ? बताओ कल अपने अब्बू के सामने सिगरेट पी रहा है
अबे मैंने बोला अब्बू के सामने सिगरेट पी रहा है, तुझे डर नहीं लगता? तो ये क्या बोल रहा है? इसमें डरने की क्या बात है, मेरा अब्बू है, पेट्रोल पंप थोड़ी है। आजकल मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज। अच्छा, एक आदमी अपने ऊपर बिठा लेता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा हाँ यार, मुझे जरा करके दिखा। ये ले, ये देख, बैठ बैठ गया। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, करके पता। अच्छा हाँ, पागल के बच्चे एक एक करके आओ ना। मुझे एक लड़की से इश्क हो गया है। नहीं यार। हाँ यार, एक खत लिख दे उसको यार मेरी तरफ से। अरे तू फिकर ही ना कर, मैं तेरी तरफ से खत लिखूंगा उसको। एक मिनट यार, अब्बू को जेब में रख के घूमते हो? अबे ये पेन है या मिसाइल है? अरे यार पेन ही है, रखे रखे सूझ गया। हाँ लिखवाओ। अच्छा लिखो। तो लिख ही तो रहा हूं। चलो लिखवाओ। मेरी प्यारी मोहब्बत है, मेरी प्यारी सी जान, मैं तुम्हारे लिए सहराओं में, पहाड़ों में और रेगिस्तानों में खाक छान सकता हूं, बड़ी बड़ी दलदलों में तुम्हारी खातिर कूद सकता हूं। और हां याद रखो, मैं संडे को तुमसे मिलने आ रहा हूं, अगर बारिश ना हुई तो। बात सुन। हाँ। ये लड़की के चक्कर में ना पड़, तुझे पता नहीं है बहुत मार खानी पड़ती है। अबे ऐसी वैसी बात नहीं है, ये सीना। हाँ। ये दिल। हाँ। ये दिल मेरे भाई, ये लड़कियों की खातिर मार खा खा के पक गया है, अभी से हर मार बर्दाश्त है। मैं अपनी लड़की की खातिर, अपनी जान की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर हर आदमी से पिटने के लिए तैयार हूँ। चल फर्ज कर ले। हाँ। अब मैं लड़की का बाप हूँ। अच्छा, मैं तुझसे बात करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। लड़के, मेरी बेटी सारी जिंदगी एक गधे के साथ नहीं गुजार सकती, इसीलिए तो आपके पास से लेके जा रहा हूँ। बकवास बंद करो। लड़की के बाप की उम्र कितनी है? 60 साल। अबे हाथ तो 35 साल का लगा। अब लड़की का भाई है। ठीक है, वो बोलेगा। हाँ। ओए, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरी बहन से बगैर उन्हें एनओसी के मोहब्बत की है? वो मैंने आपकी सिस्टर से ना संडे को मोहब्बत की थी, उस दिन ऑफिस बंद होते हैं। हाँ? क्या कितने भाई हैं? 4। ये कौन थे? 2 ने रिपीट किया। भाई ने मार लिया। हाँ? बाप ने मार लिया। हाँ? अब तो ठीक है। महल्ले वाले? ये महल्ले की आबादी कितनी है? 100-200। मोहल्ले वाले आएंगे? मोहल्ले वाले आएंगे अब। ठीक है। अच्छा, ओए तूने हमारे महल्ले की लड़की से ज्यादा बात नहीं करो, बस आओ मारो, आओ। बाप ने भी मार लिया, भाई ने भी मार लिया, मोहल्ले वालों ने भी मार लिया। ठीक है ना भाई? नहीं नहीं। हाँ अब थाने की बारी है।